राजधानी पटना में मौजूद हज भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की और इस कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने हज जाने वाले यात्रियों को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2 साल से कोरोना की वजह से हज यात्रा प्रभावित रही, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है, लिहाजा एक बार फिर से हज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, भले इसकी संख्या कम हो। सीएम ने कहा कि जो लोग हज जा रहे हैं वो देश में अमन चैन की दुआ मांगे और बिहार की तरक्की की कामना करें। सीएम ने कहा कि बिहार के हज यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए 14 अधिकारियों को भी हज के लिए भेजा गया है। आपका, आपके परिवार का उत्थान होगा, बल्कि आप जो जा रहे हैं वो पूरे बिहार का उत्थान होगा, पूरे देश का उत्थान। आप जब जाते हैं और जिस तरह से लोगों में प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए, कभी कभी देखिए लोग इधर उधर झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, कुछ लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप वहां पर जा रहे हैं तो हमेशा एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा।